सर, हालांकि पिछले बहुत मायूसी से मैं बताना चाहूंगी कि लगातार पिछले 5 बजट में पंजाब का नाम तक नहीं लिया गया और ना ही इस बजट में, लेकिन फिर भी मैं माननीय रेल मंत्री जी से बहुत मैं आस रखती हूं। सब तो पहले मैं मंत्री जी नूं आप बेनती करना चाहवांगी कि सिख कौम दे केवल 5 तख्त ने देश च, ते साडा एक तख्त दमदमा साहब जिहड़ा तलवंदी साहब, वह मेरे खेत्र में इहो जिहा तख्त है जिथे ना कोई हवाई अड्डा है ना ही कोई रेलवे स्टेशन है। 5 तख्तों विचों कल्ला एक तख्त है जिथे कोई ट्रेन तक नहीं जाती। अज मैं विनम्रता से मंत्री जी को बेनती कर दिया, 2009 तो जदों तो मैं MP बनी लगातार सरकार तो मेरी मंग रही सी कि साडे इस 5वें तख्त नूं बाकी तख्तों के नाल लिंक किया जाए ताकि सिख उत्थे नतमस्तक हो सकन। इत्थे साडे 10वें गुरु ने 9 महीने 9 दिन रह के संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहब जी की संपूर्णताई की सी। आओ 10वें गुरु ने जिन्हां दे पिता ने शहादत दित्ती सी इस कौ हिंदू धर्म नूं बचाउण वास्ते। सो मैं मंत्री जी नूं बेनती करांगी कि 2014 च सर्वे किया गया सी, एक छोटा जा 10-12 किलोमीटर दा रामा मंडी तो तलवंडी साहबों नूं लिंक करन वास्ते छोटी जी जगह 10-12 किलोमीटर होगा, वह सर्वे किसे कारण रोक दिता गया। अज मैं हथ बन के बेनती कर दिया कि ये लिंक तुसी इमीजिएटली जल्दी करवा दिओ ताकि साढ़े 5 तख्त तुसी रिलीजियस टूरिज्म वास्ते, बहुत कुछ है इस बजट से, ये छोटी जी मांग भी जरूर मैं आस कर दिया तुसी मांग करोगे तो तुसी इनू कनैक्ट करोगे। इसी तरह नानक मत्था साहब जिहड़ा उत्तराखंड में जिथे पहले पातशाही ते 6वें पातशाही दे चरण छोह धरती हैगी, इत्थे भी पंजाब दे नाल इस धार्मिक स्थान नूं भी लिंक किया जाए। सर, तीजी गल मैं मंत्री जी तो आप बेनती करांगी, मैं इन्हां नूं पहले मिली भी आई हाँ कई बारी कि साडे मेरे हल्के दे मानसा क्षेत्र जिहड़ा मानसा शहर सब तो एक बहुत वड्डा 75,000 लोगों की आबादी का शहर है, उत्थे विचों शहर दे विचों जिथे रेलवे स्टेशन है उत्थे रेलवे साइडिंग है प्लेटी है जिथे सारा लोडिंग अनलोडिंग ग्रेन्स दी फर्टिलाइजर दी सीमेंट दी सारा कुछ उत्थों होंदी है जिहदे करके बहुत वड्डे एक्सीडेंट होंदे, सारा शहर जैम हो जाता है। मैं कई बारी मंत्री जी नूं बेनती की कि मानसे तो दूजे पासे नरिंदरपुरा च तुसी कर दो जिहदे नाल मानसा शहर नूं बहुत वड्डी एक राहत मिलेगी। मैं उम्मीद करती हाँ ये काम भी तुसी कर दोगे। तीजी मांग मैं रखती हाँ सर कि जिन्हें भी रेल अंडर ब्रिजेस बने ने उन्हां दे उत्ते कोई शेड ना होन करके जदों भी मीह पैंदा है सारे फ्लड हो जांदे ने ते कई हफ्तियां तक बंद रहिंदे ने, बहुत इनकनवीनियंस, उन्हां दे उत्ते शेड बनाया जाए ताकि वह अंडर ब्रिज काम हो सके ते जिहड़े उन्हां दे साइड च ड्रेनेज का काम हैगा वह काम भी पूरा किया जाए। इसी तरह पथराला दे विच भी एक अंडर ब्रिज की जिहड़ी मंग हैगी बठिंडा से, सर 2 मिनट बस सर, ये तो मंगा सीगियाँ, ये बाद कुछ ट्रेना जी बंद कर दिती गई जिन्हें कई ने कहा करोना समय से जी बंद हो गई उन्होंने चालू किया जाए, तो कुछ जरूरी जेडे साडे दिल्ली टू गंगानगर इंटरसिटी हैगी मैं बेनती करती हाँ कि बरेटा विच रोकिया जाए। अजमेर जयपुर अमृतसर एक्सप्रैस ये जेडे साडे तख्तों जोड़ सकती है ये रामा मंडी से जरूर रोकी जाए, आ मैं बेनती करती हाँ। रामा मंडी सब तो क्लोजेस्ट स्टेशन हैगा तख्त दमदमा साहब वास्ते। इसी तरह गोरखधाम एक्सप्रैस को भी रामा मंडी से रोकिया जाए, तिरुपुरा सुंदरी एक्सप्रैस को भी रामा मंडी से रोकिया जाए, अहमदाबाद जंक्शन टू माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रैस रोकिया जाए ताकि साढ़े लोग माता वैष्णो देवी मथा टेक सकन, अजमेर जंक्शन रमेश्वर हमसफर एक्सप्रैस को भी रामा मंडी से जोड़िया जाए, सर बठिंडा दिल्ली सुपरफास्ट को मौड मंडी से रोकिया जाए, इसी तरह छिंदवाड़ा एक्सप्रैस से जम्मू अहमदाबाद एक्सप्रैस को गोनियाना मंडी से रोकिया जाए, फिरोजपुर जनता एक्सप्रैस को दातेवाद स्टेशन से रोकिया जाए, जींद फिरोजपुर एक्सप्रैस को चांदवान सर 2 सेकंड कानगढ़ ते सद्दा सिंह वाला मानसा से रोकिया स्टेशन से रोकिया जाए, जोधपुर बठिंडा एक्सप्रैस को ते बारमेर एक्सप्रैस को संगत मंडी से रोकिया जाए, फराका एक्सप्रैस को मानसा से रोकिया जाए, ते लास्टली सर फिरोजपुर जनता एक्सप्रैस मैं 50 साल तो ये ट्रेन चल रही थी सर, 50 साल से ये ट्रेन चल रही थी फिरोजपुर से मुंबई, रस्ते में गुजरात राजस्थान हरियाणा दिल्ली 95 स्टेशन पे रुकती थी, इसको रोक दिया गया है। मैं बेनती करती हूँ इस ट्रेन को भी रीस्टार्ट किया जाए, तो कोरोना के टाइम में जो रोकी गई है उन सबको रीस्टार्ट, लेकिन सबसे पहले मैं हाथ बांध के बेनती करूँ हमारे तख्त के साथ जरूर 10-12 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है रामा मंडी के साथ जोड़ दिया जाए। थैंक यू, धन्यवाद।